Assalamu alaikum, as dear students and viewers, hope you are all fine. In the previous lecture, we discussed returns to scale. Returns to scale means that in the long run, all factors of production become variable, no factor remains fixed. In this period, production of a commodity can be increased by increasing all the factors of, pro factors of production in the same proportion. और अगर हम सभी फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं सेम प्रपोर्शन में तो उस सूरत में जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होती है इनक्रीज होती है ठीक एंड द कॉरस्पॉन्डिंग बिहेवियर ऑफ आउटपुट इज स्टडीड एज रिटर्न टू स्केल और आप जान गए कि देर आर थ्री आस्पेक्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल वी हैव इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल कॉन्स्टेंट एंड डिमिनिंग रिटर्न स्केल और इंक्रीजिंग रिटर्न हमने कल डिस्कस किया और वहाँ क्या होता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न ट स्केल ऑकर गिवन परसेंटेज इनपुट इन ऑल फैक्टर इनपुट्स इन सम कांस्टेंट रेशो काजिज प्रपोर्शनेटली ग्रेटर इनक्रीज इन आउटपुट तो फिर हमने लास्ट पे इसके काजेज डिस्कस किए थे और काजेज में दो चीज़ें अहम होती हैं इकॉनमीज ऑफ स्केल ये दो तरह की होती है इंटरनल इकॉनमीज ऑफ स्केल एंड एक्सटर्नल इकानमीज ऑफ स्के चले आज हम इंटरनल इकॉनमीज ऑफ स्के देखिए बिफोर डिस्कसिंग इंटरनल इकॉनमीज ऑफ स्केल आपको मालूम होना चाहिए इकानमीज ऑफ स्केल होती क्या है द इकानमीज ऑफ स्केल मीन देश इन विच इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस इज द यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रेज आउटपुट पर यूनिट ऑफ द फैक्टर इनपुट जब एक फर्म स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ शिफ्ट होती है तो उस सूरत में इसके लिए ऐसे हालात खुद ब खुद पैदा होते हैं जिसकी वजह से इसके जो यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होते हैं और इसका आउटपुट पर यूनिट ऑफ फैक्टर बढ़ता है इन तो सिचुएशंस को हम रिटर्न टू स्केल कहते हैं रिटर्न स्केल दो तरह की होती हैं वी हैव द इंटरनल इकानमीज़ ऑफ़ स्केल एंड वी हैव एक्सटर्नल इकानमीज़ ऑफ स्केल पहले हम इंटरनल इकानमीज़ को डिस्कस करेंगे देखिए इंटरनल इकानमीज़ ऑफ स्केल क्या होती है ये वो इकानमीज़ होती है विच आर फर्म स्पेसिफिक ये फॉर्म स्पेसिफिक होती है ये ऐसे हालात होते हैं जिनका फ़ायदा सिर्फ उसी फॉर्म को होता है जो आउटपुट इंक्रीज करने के लिए अपनी स्केल को चेंज करती है इंक्रीज करती है दीज आर अवेलेबल टू दैट पर्टिकुलर फॉर्म इन द इंडस्ट्री विच सेक्स टू इंक्रीज इट्स लेवल ऑफ आउटपुट बाई वे ऑफ इंक्रीजिंग इट स्केल ऑफ प्रोडक्शन स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो फॉर्म इंक्रीज करती है उसका आउटपुट बरत बढ़ता है और जो इंटरनल इकानमीज़ हैं ये इसके लिए ऐसे हालात ही खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं बर रास् फायदा सिर्फ इसी फॉर्म को होता है राइट right? ये इंटरनल कहलाते हैं बिकॉज दीज आर नॉट शेयर्ड बाय अदर इन द इंडस्ट्री विच आर नॉट एक्सपैंडिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन सो इंटरनल इकोनॉमीज का फायदा बरह रास्त उसी फॉर्म को होता है जो अपनी स्केल को बढ़ाती है न कि दूसरी कोई फॉर्म जो अपनी स्केल नहीं बढ़ाती है और यहां एक बात, बात इंपॉर्टेंट है आपको फ़र्म और इंडस्ट्री में फ़र्क वाजिया होना चाहिए मालूम होना चाहिए वेन अ नंबर ऑफ फर्म्स कम्बाइन दस्टूट एंड इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स होती हैं जैसे अगर हम जे एंड के में ट्रांसपोर्ट को एक इंडस्ट्री कंसीडर करें तो इसमें बहुत सारी फर्म्स है जैसे शालीमार ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है या सोपोर ट्रांसपोर्ट कंपनी है बाहर ट्रांसपोर्ट कंपनी है ये क्या है दीज आर फर्म्स व्हेन दीज कंबाइन दे कॉन्स्टिट्यूट एन एं इंडस्ट्री लेकिन यहां जब हम इंटरनल इकोनॉमीज की बात करते हैं ये सिर्फ फर्म को अवेलेबल होती है न कि किसी न कि इंडस्ट्री को राइट देखिए जो इंटरनल इकोनॉमीज है, हैं दीज आर अवेलेबल टू तो ए फर्म इन वेरियस फॉर्म्स पहली फॉर्म इनकी है टेक्निकल इकॉनमी ये टेक्निकल इकोनॉमीज क्या हो देखिए जब एक फर्म अपनी स्केल को बढ़ाती है इसके लिए पॉसिबल हो जाता है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है सुपीरियर टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है नई नई इनोवेशन एडॉप्ट करती है और इससे क्या होता है जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्निक्स सुपीरियर टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं उससे हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है राइट right? और आउटपुट बढ़ता है यानी हम टेक्निकल इकानमीज कहते हैं देन वी हैव लेबर इकॉनमीज देखिए जब एक फॉर्म शिफ्ट होती है फ्रॉम स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल यानी जब यह अपनी स्केल को बढ़ाती है तो इसके लिए मुमकिन हो जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर एडॉप्ट करती है इंट्रोड्यूस करती है डिवीज़न ऑफ लेबर में क्या होता है पूरे वर्क को पूरे काम को पूरे प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है एवं डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिविजन ऑफ लेबर की खूबी है इट रिजल्ट इन ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ लेबर और जब एफिशिएंसी लेबर बन गई बढ़ गई तो उससे क्या होगा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा ये फायदा भी इंटरनल इकोनॉमीज की वजह से एक फॉर्म को अवेलेबल होता है राइट अनदर इकॉनमी अवेलेबल टू ए फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ मैनेजरल इकोनमीज देखिए जब एक फर्म लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करती है जब अपनी स्केल बढ़ाती है एक्सपेंड होती है तो ऐसी फर्म ये अफॉर्ड कर सकती है टू एंगेज कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट मैनेजर्स मैनेजरल स्टाफ जब मैनेजरल स्टाफ कॉम्पिटेंट हो एफिशिएंट हो उनकी प्लानिंग सही होती है उनके डिसीजन सही होते हैं और उससे क्या होता है एफिशिएंसी बढ़ती है मोर एफिशिएंसी, जहां एफिशिएंसी ज़्यादा हो प्रोडक्शन में वहां कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है राइट अनदर इकोनॉमी अवेलेबल टू फॉर्म इज फाइनेंशियल इकोनॉमी देखिए जब एक फॉर्म का साइज बढ़ता है स्केल इसकी बढ़ती है इसका सिफर बढ़ता है तो इसके लिए ये फायदा होता है कि इट हैज़ हाई क्रेडिट रेटिंग इसकी क्रेडिट रेटिंग हाई होती है देखिए जो बड़ी बड़ी बिजनेस एंटिटीज हैं बैंक उनको यहीं से जाते हैं आप पैसा लीजिए अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए और ऑफर्स होती हैं ऐसी कंपनीज के लिए आईसी फर्म्स के लिए तो इस सूरत में क्या होता है कि जो भी फर्म हो इट्स इन ए पोजिशन टू सिक्योर हायर लोन्स इसको ज़्यादा लोन्स मिलते हैं loans, अब समझ रहे हैं इन्हीं को हम फाइनानशियल इकोनॉमीज़ कहते हैं देन वी हैव इकोनॉमीज़ ऑफ परचेज एंड सेल देखिए जब एक फॉर्म का साइज एक्सपेंड होता है तो उसका मार्केट भी एक्सपैंड होता है इसके लिए मार्केट वैसी होता है कैसे होता है क्योंकि ये लार्ज क्वान्टिटी ऑफ रॉ मटीरियल खरीद सकती है एट लावर प्राइस और इसके लिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती है इट कैन सेल लार्ज क्वांटिटी इवन एट लावर कैम्पशन रेट्स देखिए जो फर्मस होती हैं जब अपना आउटपुट सेल करती है तो इनके लिए कैम्पशन एजेंट्स होते हैं समॉलर फर्मस के लिए मुश्किल होता है लेकिन जब फर्म लार्ज होती है तो इट कैन सेल डायरेक्टली टू होल सेलर्स विद लो कैम्शन रेट्स इसे हम मार्केट इकानमीज़ भी कहते हैं इनके लिए इकानमीज़ ऑफ़ सेल एंड परचेज बढ़ जाती है देन वी हैव इकानमीज ऑफ रिस्क देखिए इकोनॉमिक्स में यही होता है कि बिजनेस में ये होता है कि व्हेन यू रिस्क मोर यू गैन मोर जितनी ज़्यादा रिस्क लेंगे इतने इतना ज़्यादा आप फ़ायदा पाओगे जब एक फॉर्म का साइज बड़ा होता है तो इसकी कैपेसिटी टू बियर रिस्क रिस्क बर्दाश्त करने की भी बढ़ जाती है और ऐसी सूरत में ये फर्म इसकाबिल बनती है टू अंडरटेक सच एक्टिविटीज दैट एश्योर हाई प्रॉफिट सो इट रिस्क मोर इट गैनज मोर आप समझ गए सो दीज आर सम इंटरनल इकानमीज विच आर अवेलेबल टू अ फर्म इन वेरियस फार्म तो इनका फ़ायदा डायरेक्टली फॉर्म को होता है जो खुद को एक्सपेंड करना चाहती है शिफ्ट फ्राम स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल राइट right? इनको हम इंटरनल कहते हैं इसके अलावा एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी होती है विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर लेकिन एक्सटर्नल इकोनॉमीज में क्या होता है कि फायदा हर फॉर्म को होता है यानी पूरी इंडस्ट्री जितनी भी फॉर्म हैं होती हैं उनको इसका फायदा होता है इनमें मेन चीज़ें हैं इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन है इंफॉर्मेशन है डिसइंटीग्रेशन है वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर तो आज के लिए इतना काफ़ी है कि यू हैव टू कीप इन माइंड That we witness increasing returns to scale due to internal economies of scale. What are these economy, internal economies? These we have in the form of technical economies, labor economies, managerial economies, financial economies, economies of risk, economies of purchase and sale. In the next lecture, we will continue our discussion on the external economies of scale. Thank you very much. Have a nice day. God bless you all.